नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। अंग्रेजी में कहावत है, आप सबने सुनी होगी, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। कुछ ऐसा ही हम सबके साथ होता है और हम सब हिंदुस्तानियों पर यह बात जो है पूरी तरह से लागू भी हो रही है। आपने अपने ऑफिस में देखा होगा कि लोग कहते रहते हैं कि बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन जब उनसे पूछो कि आप पिछली बार छुट्टी मनाने कब गए थे तो जवाब अक्सर होता है कि कौन जाए छुट्टी मनाने। हाल ही में ब्रिटिश एयरवेज और एक्सपीडिया ने एक सर्वे भी किया है जिसमें यह बात सामने आई कि छुट्टी ना लेने के मामले में भारतीय बहुत आगे हैं। वो छुट्टियां ना मनाने के मामले में दुनिया में 5वें नंबर पर आते हैं। 65% भारतीय छुट्टी ही नहीं लेते हैं। वहीं साइकेट्रिस्ट भी कहते हैं कि छुट्टी लेना बेहद जरूरी है, वरना दिमाग जो है धीमा काम करने लगता है। क्या है ये पूरी रिपोर्ट, देखिए। क्या आपको याद है कि आप पिछली बार दफ्तर से छुट्टी लेकर परिवार के साथ या अकेले छुट्टियां मनाने कब गए थे? हम आपके वीकली ऑफ या फिर किसी की शादी में जाने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि 5-6 दिन के सैर सपाटे की बात कर रहे हैं। अपने काम को वैसे प्रायोरिटी देते हैं, छुट्टियों को। उम्मीद तो है कि समर्स में हम जाएंगे। ये पूरी कोशिश रहेगी कि एक ब्रेक होना जरूरी है, ये हम मानते हैं। एक रिफ्रेशमेंट तो चाहिए ही माइंड को सेट करने के लिए। या कंपनी हमें देती रहती है और लास्ट मंथ ही हम गए हैं कंपनी की तरफ से। नहीं, अपने आप को मैं आई फील वेरी रिफ्रेश कि चलो ठीक है, मतलब काम तो खैर करना ही है ऑब्वियसली। हम हिंदुस्तानियों का हाल ही ऐसा है, हमें लगता है कि काम में जुटे रहेंगे तो ज्यादा अच्छा, और कंपनी की ऑफिस पिकनिक को ही छुट्टी मान लेते हैं। लेकिन छुट्टी न लेना बहुत हानिकारक है। ये बात भी सामने आई है कि जो लोग अपने आप को वर्कोहोलिक साबित करते रहते हैं उनका दिमाग धीमे काम करने लगता है, वो थके थके रहते हैं। हाल ही में ब्रिटिश एयरवेज और ग्लोबल ट्रैवल एजेंसी एक्सपीडिया ने एक सर्वे किया। सर्वे में भारत के लोगों की छुट्टी न लेने की आदत सामने आई, जिसमें कई वजह सामने आई है। भारत के 65% कर्मचारियों ने ऑफिस के तरफ से मिलने वाली छुट्टियां भी पूरी नहीं ली। 42% कर्मचारी वर्कलोड की वजह से छुट्टियां नहीं ले पाते। 30% कर्मचारी अपने बॉस के डर से छुट्टी मांगने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं। 21% भारतीय छुट्टियों पर इसलिए नहीं जाते ताकि उनकी गैर मौजूदगी में काम से जुड़े कोई अहम फैसले ना ले लिए जाए। 21% लोगों को लगता है अगर वो छुट्टी पर नहीं जाएंगे तो बॉस की नजरों में उनकी इमेज पॉजिटिव बनेगी। 16% लोगों को तो पैनिक हो जाते हैं, उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि छुट्टियों का क्या करें। हर कोई चाहता है कि वो अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ पल चुराकर उन्हें टेंशन फ्री जिए, लेकिन भारतीय छुट्टी लेना ही नहीं चाहते। अगर आप वर्कहॉलिक हैं और छुट्टियों और वैकेशन पर जाने को आप तवज्जो नहीं देते तो यह आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आप बर्न आउट सिंड्रोम के शिकार हों। जी हाँ, अगर आप लंबे वक्त तक काम कर रहे हैं और वैकेशन पर नहीं जाते तो ऐसे में आपका दिमाग धीरे धीरे स्लो होने लगता है और इसका सीधा असर आपकी प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। लेकिन छुट्टी न लेना आपको ऑफिस में बेहतर नहीं बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी खराब करता है। जानकारों का कहना है कि छुट्टी न लेना धीरे धीरे आपके भीतर बर्नआउट सिंड्रोम को बढ़ा रहा है। छुट्टी न लेने से आपका दिमाग स्लो हो जाता है, आपके काम करने की क्षमता कम होती है, आप कुछ नया नहीं सोच पाते। अगर आप लंबे वक्त तक काम से छुट्टी नहीं लेते तो आपको नींद न आने की शिकायत रहेगी। सुबह के वक्त सिर में काफी दर्द रहेगा, याददाश्त कम हो जाएगी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन हो सकता है, मानसिक तनाव होगा। जॉब में भी आप कंटिन्यूअसली काम करे तो एक प्रॉब्लम होती है, उसको बोलते हैं बर्न आउट, जो लॉन्ग टर्म में प्रोडक्टिविटी को खराब करते हैं। उसके साथ साथ उनका साइकोलॉजिकल और फिजिकल वेलबींग भी खराब हो जाते हैं। स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है तो मेन प्रॉब्लम यही आती है कि पुअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब काम ढंग से ना कर पाना, फॉरगेटफुलनेस, हेडेक होना, मेनली अर्ली मॉर्निंग हेडेक्स होना। ब्रेक लेना इसलिए जरूरी होता है कि जो हमें वो ब्रेक करना है, जो मैंने बताया कि कॉन्स्टेंट स्ट्रेस अगर रहेगा कंडीशन तो ब्रेन पे इफेक्ट पड़ेगा, तो उसको हमको ब्रेक कर देंगे। मेहनत और ईमानदारी से काम करना सबसे अच्छी बात है, लेकिन काम का बोझ कहीं आपके काम पर ही असर न डाले, इसके लिए जरूरी है कि आप छोटा सा कुछ दिन का ब्रेक जरूर लें और निकल जाएं छुट्टियां मनाने। दिल्ली से कविता शर्मा, जी मीडिया।
तो हमारे देश की 65% आबादी जो है वो छुट्टी लेने में बेहद फिसड़ी है, ऐसा कहना इस सर्वे का है। ज्यादातर हिंदुस्तानी ये मानते हैं कि जितना हम काम करेंगे, छुट्टी नहीं लेंगे, उतना करियर के लिए अच्छा भी रहेगा। ऑफिस में तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक हफ्ते में 50 घंटे तक काम करते रहते हैं, लेकिन काम में डूबे ऐसे ही लोगों के लिए ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि ब्रेक भी उतना ही जरूरी है जितना कि काम जरूरी है। खासतौर पर उन लोगों के लिए जहां पति पत्नी दोनों ही वर्किंग है। हमने एक ऐसे ही कपल से बात की। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि भारत में भी लोग वेकेशन मनाने लगे हैं। बड़े शहरों में तो इसका चलन अच्छा खासा बढ़ा है, लेकिन फिर भी इस मामले में दुनिया के देशों से हम काफी पीछे हैं। ब्रिटिश एयरवेज और एक्सपीडिया का सर्वे बताता है कि 65% लोग तो छुट्टी मनाने जाते ही नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि काम से ब्रेक लेना बेहद जरूरी है। हमने नोएडा में रहने वाले कपल से बात की। पति पत्नी दोनों ही कामकाजी हैं, लेकिन बॉस के डर से छुट्टियां मनाने जाते ही नहीं थे, लेकिन जब से उन्होंने छुट्टी पर जाना शुरू किया, उन्हें खुद में और अपने काम में काफी फर्क दिखने लगा है। अगर आपने अपने माइंड को इतना रेस्ट दे दिया 10-15 डेज का, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप लौटोगे तो आपका माइंड काम करेगा। तो मतलब आप जब लौटोगे तो आपको एक होता है फील गुड फैक्टर, वो आता है। आपको सिर्फ एकदम नई लगती है, जहाँ बैठे हो आप स्टेशन में सब कुछ आपको नया लगता है, एकदम नया फील होता है, लगता है कि मैं सब कुछ काम अपना जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे अंदर वो फीलिंग आती है वेकेशन लौटने के बाद। बहुत ट्रैवल करा, भले ही वो डोमेस्टिक हो, डोमेस्टिक ही ज़्यादातर, बट येस इट डेफिनेटली इम्प्रूव्स माई नाउ डेज वर्क लाइफ बैलेंस एंड इट कीप्स यू हेल्दी एंड यंग। ऑफिस की टेंशन से जब आप कुछ दिनों के लिए दूर हो जाते हैं तो आप में एक नई एनर्जी आती है। जब छुट्टी के बाद आप उस नई एनर्जी के साथ वापस आते हैं तो आपका काम और भी बेहतर होता है। कविता शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो आपने देखा कि छुट्टी लेने के मामले में भारतीय कितने फिसड्डी हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि 65% भारतीय जो है इस लिस्ट में आते हैं जो छुट्टी नहीं लेते हैं। तो हम आपको फटाफट बता देते हैं सर्वे की अहम बातें क्या क्या है। देखिए, 65% कर्मचारियों ने ऑफिस से मिलने वाली छुट्टियों जो है वो पूरी भी नहीं ली हुई है, तो भारतीय जो है वो छुट्टी लेने के मामले में काफी जो है पीछे है। 42% काम के बोझ को जो है ये वजह बताते हैं कि वो क्यों नहीं छुट्टी ले पाते। तो 42% लोगों का ये कहना है कि वो काम की वजह से जो है छुट्टी ही नहीं ले पाते। वहीं 30% लोग तो इस कैटेगरी में आते हैं जो बॉस से छुट्टी मांगने में डरते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि काम का बोझ इतना ज्यादा होता है कि लोग जो है वो बॉस से छुट्टी भी नहीं मांग पाते हैं। वहीं 21% लोगों को तो ये लगता है कि छुट्टी मांगने से उनकी इमेज है, यानी कि बॉस के सामने जो इमेज है वो खराब हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि वो बॉस से छुट्टी मांगने में जो है घबराते हैं। वहीं 21% कर्मचारियों को जो है ये डर है, और वहीं 16% को तो समझ ही नहीं आता कि आखिरकार अगर हम छुट्टी ले लेंगे तो छुट्टी में करेंगे क्या। तो देखिए, यही सब जो है वजहें हैं जिसकी वजह से भारतीय जो है वो काफी पीछे हैं छुट्टी लेने के मामले में। तो अब आपको फटाफट ऐसे देशों की लिस्ट भी बता देते हैं जहां पर लोग जो है छुट्टियां नहीं लेते हैं। दक्षिण कोरिया के 82% कर्मचारी ऐसे हैं जो छुट्टी नहीं लेते हैं। वहीं फ्रांस दूसरे नंबर पर है, तो मलेशिया जो है इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है। उसके अलावा चौथे नंबर पर जो है हांगकांग है, 64% कर्मचारी ऐसे हैं जो छुट्टी नहीं लेते। तो भारत के 60% कर्मचारी जो है वो छुट्टी लेने के मामले में काफी पीछे रहते हैं। तो ये तो बात हुई उन देशों की जो छुट्टी लेने के मामले में फिसड्डी है, लेकिन अब आपको बताते हैं वो देश जो छुट्टी मांग लेने में काफी आगे हैं इस लिस्ट में। पहले नंबर पर नॉर्वे है, दूसरे नंबर पर नीदरलैंड्स, तीसरे नंबर पर आयरलैंड, और वहीं अगर उसके बात करें कुछ और देशों की तो इसमें चौथे नंबर पर स्वीडन है और ताइवान है। तो ये देश ऐसे हैं जो छुट्टी लेने के मामले में जो है वो काफी आगे रहते हैं। तो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो ऐसे देशों की बात कर रहे हैं जो छुट्टी लेने के मामले में आगे हैं, लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि कई देश ऐसे भी हैं जो छुट्टी लेने के मामले में काफी पीछे रहते हैं, और उनमें जो है भारतीय काफी आगे हैं। लेकिन हम यहां पर बार बार ये क्यों बात कर रहे हैं कि भारतीयों को इस आदत को बदलना होगा, क्योंकि भारतीय अगर इस आदत को बदलेंगे तभी जो उनकी काम करने की क्षमता है वो जरूर बढ़ पाएगी।